वेलकम टू पोस्ट मैच चैट एवरीबॉडी. आज का बहुत खास हमारा प्रोग्राम है क्योंकि आज हम मिल रहे हैं इन आवर न्यू शो गेट टू नो पाकिस्तान विकेट कीपर सिद्रा नवाज. शी इज जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम द वेस्ट इंडीज. सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, फॉर मेकिंग द टाइम. अभी आप वेस्ट इंडीज में हैं, आपको कैसा लग रहा है उधर? आपको वेस्ट इंडीज में कैसा फील हो रहा है? बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ा अच्छा वेदर है यहाँ पे और क्रिकेट एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होता जा रहा है. वेदर के लिहाज से जितना अच्छा वेदर है उतना अच्छा क्रिकेट एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल रहा है. ऑब्वियसली वेदर अच्छा होता है तो हर चीज़ अच्छी लगती है. वेदर ना अच्छा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. हाँ सही बात है. आप वैसे पहले भी वेस्ट इंडीज गई हुई, आपने उधर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप खेला था, तो आपकी यू नो आपको खुशी होती है उधर वापस जाके, या इज इट अ प्लेस यू लाइक टू विजिट और डू यू प्रेफर टू गो अदर प्लेसेस? नहीं, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज बड़ा एक खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल लैंड, एंड यहाँ पे वापस आके मेरे ख्याल में मुझे नहीं हर किसी को खुशी होती है कि एक बीचेस और एक आयरलैंड यहाँ पे जितना खूबसूरत इनका है उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है. जब आप, क्योंकि आपका यू नो दूसरी बार आप उधर जा रही हैं, तो आपने जब आपकी टीममेट्स जो पहली बार शायद आई हैं उन्होंने आपसे पूछा कि यू नो क्या तैयारी करनी चाहिए वेस्ट इंडीज के लिए, यू नो व्हाट डू आई नीड टू पुट इन माय बैग, व्हाट डू आई नीड टू बाय, व्हाट डू आई नीड टू टेक, आपने क्या उनको एडवाइस दी थी? सबने पूछा है दूसरे से कि जो ऑब्वियसली 26 का स्क्वाड है और एक दूसरे से सबने चीजें पूछ के रखी, और सबसे मेन चीज जो हमारे पास सबने एक दूसरे से पूछ के रखी कि चाय का सामान सारे अपना ज्यादा ज्यादा रख लेना. तो बहुत जरूरी है हमारे लिए चाय का सामान. चाय हमारी टीम में चाय के ऐसे कहने के अगर दिन में 3 दफा चाय नहीं मिलेंगी तो कुछ नहीं हो सकता इनका. 3 दफा चाय, वाओ दैट्स सो मच कैफीन. अच्छा आप दिन में वैसे रेगुलर तौर पे जब आप मैच नहीं खेल रही होती है, घर पे होती है, लाहौर में होती है, कितने चाय पीती है दिन में? मैं तो 1 कप पीती हूँ, मैं यहाँ भी 1 कप ले रही हूँ, लेकिन टीममेट्स फ्रेंड्स वगैरह जब इकट्ठे बैठे हो तो यार इट्स ओके, मैं भी ले लेती हूँ एक्स्ट्रा कप पी लेती हूँ, कोई मसला नहीं है. वेरी गुड. Very good. It's not the worst habit to have. I've heard worse things about other people, other teams, to be honest with you. So, अच्छा तो फिर आप इस बार West Indies में खेलने आई हैं. You know, आप squad में senior player हैं. आपने you know 38 one days खेले हुए हैं और 52 T20s खेले हुए हैं. आप you know one of the most experienced players in the team. आपको क्या लगता है इस tour में पाकिस्तान की team क्या achieve कर पाएगी West Indies में? नहीं ऑब्वियसली अभी प्रीवियसली देखे तो हमने वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को हराया है. उससे पहले भी हमारी वेस्ट इंडीज का जो सीरीज हुई थी उसमें भी हमने वेस्ट इंडीज को हराया था, सीरीज विन की, तो बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेके आगे आए हैं कि ऑब्वियसली पेंडेमिक से पहले इन्हीं के साथ हमारे वर्ल्ड कप खेला तो उनको वहाँ पे बीट किया है, और आफ्टर पेंडेमिक जो है अब हमने 2 सीरीज खेली हैं, डोमेस्टिक खेला है, और उससे अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आए हैं वेस्ट इंडीज के साथ कि यहाँ पे अच्छे मैचेस खेलेंगे, इंशाल्लाह सीरीज विन करके जाएंगे. बड़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि ऑब्वियसली आपने जब एक टीम को आपने ऑलरेडी हराया हो और आप उनसे दोबारा खेलने आए हो तो ऑब्वियसली जो आपने एक चीज़ जीती होती है उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और इसी चीज़ को, उस मोमेंटम को मेंटेन करते हुए हमारा है इंशाल्लाह कि हम इस सीरीज में भी इंशाल्लाह जीत के वापस पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह. एंड यू नो हमने जब लास्ट आपको देखा था आप लोग साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे थे, and obviously that was a difficult tour, lekin usme bhi bahut you know zabardast performances di thi kafi players ne. Uske baad zimbabwe ka tour thoda sa cancel ho gaya tha because of the situation, to kafi arse se log wait kar rahe hain you know pakistan women's team ko fir se dekhne ke liye, aur you know kafi log ye bhi soche ke you know modern cricket mein you know logo ne pandemic ke dauran bahut sa men's cricket organize kar liya hai, ipls ho rahi hain, psl ho rahi hain, lekin women's cricket ko thoda sa piche chhod diya, aapko ye mehsoos hua ya you were just happy for the break? ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से वुमेंस क्रिकेट इतनी नहीं हो सकी, लेकिन ऑब्वियसली बीसीबी ने, हमारी मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा हमें रखा है, इंगेज रखा है. जब पेंडेमिक बहुत पीक पे था तो हमारे साथ ऑनलाइन सेशन हुए थे, हमारे ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, उसके बाद हमारी कैंप लगा पाकिस्तान का, देन हमारी साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज हुई, आफ्टर डैट फिर अगेन हमारा पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ऑलमोस्ट हम 1.5 मंथ का कैंप करते हुए आ रहे हैं. तो हम लोग क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑब्वियसली उसका एरर थोड़ा सा ओवरऑल वर्ल्ड में कम था, लेकिन हमारे बोर्ड ने हमें बहुत अच्छा एंगेज रखा है कैंप्स में, और जितना वो फैसिलिटेट कर सकते थे उन्होंने हमें किया. बिल्कुल, और इस साल उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए हैं वुमेन्स टीम के लिए. दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट, एंड इट्स एंड दे आर लीडिंग द वे रियली, क्योंकि काफी मुल्क ऐसे हैं जो इतना उनका वुमेन्स क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यू नो पाकिस्तान ने स्टेप लिया, दिस इज अ ह्यूज थिंग, है ना?
वेरी ग्रेट स्टेप, और ऑब्वियसली यंगस्टर्स को और जितने भी इमर्जिंग हैं उन सबको बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है. और दिस इज फैक्ट कि आप जब एक चीज़ क्रिकेट इस गेम इस पर जितना इन्वेस्ट करोगे आप इन रिटर्न उतना आपको मिलता है. और आई थिंक हमारा बोर्ड वुमेंस क्रिकेट पर बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और बड़ा अच्छा साइन है कि हमारे यंगस्टर नॉट सिर्फ मेन टीम के प्लेयर्स को मिल रहा है, इमर्जिंग को भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और एक नया एक ऑब्वियसली एक वो कहते हैं ना एक अंदर जज्बा पैदा हो जाता है खेलने का अपने मुल्क के लिए, वो बड़ा एक अच्छा साइन है. और कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली पेंडेमिक चल रहा है और हर मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट थोड़ी नीचे गई है, लेकिन हमारे बोर्ड ने इस चीज़ को बड़ा हमारे लिए एक कह लें कि खुशी के लिए हमारे लिए बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी इस चीज़ को नीचे की नहीं गिराया बल्कि ऊपर लेके गए हैं. तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट साइन और इससे उम्मीद है कि आगे हम और बेहतर करेंगे इन चीज़ों को क्रिकेट में. Fantastic. It is a pretty, pretty great thing. Ab aapne jazbe ki baat ki hai, toh I must ask, aapke baare mein specifically, aap jab cricket mein, jab shuru mein dilchaspi lena shuru kiya, kya mauka tha aapko waqia yaad hai bachpan mein, jab pehli baar cricket dekha, aapko interest hui, kaun si cheezon ne aapko inspire kiya cricket ko professionally pursue karne mein? मैं बचपन से ही अपने कॉलोनी में लड़कों के साथ खेलती थी, मुझे वहीं से शौक था, खेलती की भाई भी होता था साथ. तो एक दिन स्कूल में मैं क्लास ले रही थी और मेरी ही टीममेट्स हैं सिद्रा अमीन और हमारी डोमेस्टिक की कीपर है फरिया, हम लोग एक सेम स्कूल में थे. तो मैं क्लास चल रही थी और ये लोग मेरे क्लास में आए, उन्होंने कहा कि ये एक लड़की है जिनको हमने क्रिकेट खेलते देखा है. तो मुझे क्लास से ले गए, वहाँ से उन्होंने मुझे स्कूल के ट्रायल चलाए और फिर मैंने तब मेरी अंडर 17 में सिलेक्शन हुई थी. तो वहाँ से एक एम पैदा हो गया था यार, अंडर 17 में आया तो आगे भी इस चीज़ को प्रोफेशनल की तरफ लेके जाएँ. तो वहीं तो जज्बा पैदा होता गया और फिर एक ट्रैक मिलता गया और तब बड़े अच्छे स्टेप्स थे अंडर 17, अंडर 19, 21, 23, पाकिस्तान ने सब स्टेप्स पूरे करके उस जज्बे में पाकिस्तान के लिए खेला. बिल्कुल, आपको तो बाकी सारे स्टेप्स पूरे करने पड़े अंटिल यू गॉट देयर, बट यू गॉट देयर एंड नाउ यू नो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स इन द टीम. लेकिन जब आप शुरू में देखती थी क्रिकेट तो यू नो अब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, यू गेट टू वेयर दैट स्टार ऑन योर चेस्ट एंड यू नो दिस इज अ ह्यूज ऑनर for anybody who plays for Pakistan. लेकिन जब आप शुरू में टीवी पे क्रिकेट देखती थी आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से थे? उस टाइम में मैंने मेंस ऑब्वियसली हमारे पास तब सरफराज भाई थे, शेव मलिक थे, मेंस पे ज्यादा स्कोप था, वुमेन्स का इतना स्कोप नहीं था तब क्योंकि जब मैंने शुरू की थी. लेकिन हमारे पास वुमेन्स में इतना मुझे पता है जितना मैंने देखा था, सना मीर का बहुत नाम था, बिस्मा का, स्माविया का, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं हमारी वुमेन्स क्रिकेट के. तो उनको उनके साथ उनको देखा भी, उनके साथ खेला भी, और जितना जब उन्हें देखा और खेला उनके साथ तो एक देख के उन्हें बहुत जज्बा पैदा हुआ कि वुमेन्स क्रिकेट है, इस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं एज अ प्रोफेशनल. तो ये चीज़ इसको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी. बिल्कुल, और अब जब जिस तरह वुमेन्स क्रिकेट डेवलप हो रही है, अभी हमने इंग्लैंड में टेस्ट मैच देखा है, यू नो बड़े 7 सालों के बाद वुमेन्स टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड और इंडिया का. And it was a very good match, you know, very exciting. Everybody in the world, you know, want to see more Test cricket. Abhi tak, you know, jis era mein aapne khela hai, Pakistan ki women's team cricket, Test cricket nahi khel saki. Lekin ye aapke liye ek ambition hai, aap bhi shayad Test cricket khelna chahengi? Of course, Test cricket khelna har cricketer ka dream hota hai, kyunki ye ek dream hai Test khelna, chahe wo ladke ho, chahe wo ladkiyan ho. To obviously hum bhi is cheez ki ख्वाहिश रखते हैं कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा बोर्ड इस तरफ आएगा और हमें भी टेस्ट क्रिकेट खिलाएगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलना एक ऑब्वियसली स्पीचलेस एक ड्रीम है हर किसी के लिए. तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा वो पूरा करे अपना ड्रीम. We really hope we get to see Pakistan, the women's team play test cricket again. They've already got somebody right there. The record for the highest score in test cricket is a Pakistani woman, Kiran Baloch, one of the only people to score a double century in test cricket. Incredible. Acha, isse pehle ke hum ye session khatam kare, Sidra, you know, thank you again for taking the time, it's been such a pleasure. Lekin kyunki hamari audience aapko janna chahti hai aapke bare mein, humne ek quick fire segment karni hai jisko hum quick singles kehte hain, theek hai? We're going to take some quick singles, aapko ek sawal puchenge, aapne jaldi se jo bhi pehla aapke dimag mein idea aata hai aapne jawab dena hai, theek hai? Okay. कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, मैं वसीम बदामी नहीं हूं, डोंट वरी, बट आराम से, इट्स ओके. ओके ठीक है. ओके रेडी? ओके ओके. आपकी फेवरेट ग्राउंड? या दिल्ली, इंडिया वर्ल्ड कप. ओके. आपकी फेवरेट खाने की चीज? मटन कढ़ाई. गुड चॉइस. आपकी फेवरेट फिल्म? राइट नाउ इट हैज यूसुफ अली सलाम. ओके. आपकी क्रिकेट बैग में इस वक्त कितने बैट्स हैं? 3. 6 bats.
Wow, three, very good. कोई एक चीज जिसके बगैर आप घर से नहीं निकलती? मोबाइल एंड राइट नाउ मास्क. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. वेयर मास्क एवरीबॉडी. अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग? नॉट, मैं सब सुन लेती हूँ, कोई एक नहीं है. वेरी गुड. क्लासिकल भी चलता है और मॉडर्न भी चलता है? तो भी हर तरह का. वेरी गुड. अच्छा, आपकी फेवरेट बुक? मैं बुक्स नहीं पढ़ती. Not interested. you've got to read some books about Wiki. There's a great biography of Jack Russell. Aapko bhejenge inshallah. Acha, aapka favorite shahar Lahore ke alawa? Lahore ke alawa north areas. Shahar nahi, bahut sare shahar hai wahan pe. North. Baaki bahut khoobsurat ilaka hai. Acha, aapka sabse yaadgar match? Sabse yaadgar match India vs Pakistan in World Cup 2016. It was a very good match. It was so close as well. Acha, aapka favorite TV program? TV program. Right now, Khuda aur Mohabbat. Acha, very good. Good drama. Acha, koi aisa player jisse aap milna chahti hain? Virat Kohli. Okay. And any women's player? In women's, Meg Lanning. Obviously, unse to mila hua hai. Series zara chalti rehti hai. लेकिन एक डिटेल में जो एक सेशन करना और बातचीत करना, वो मैग लैनिंग सेव करता है. वेरी गुड. वी विल ट्राई एंड इंट्रोड्यूस, वी विल ट्राई एंड सॉर्ट दैट आउट फॉर यू, डोंट वरी. अच्छा, आपकी ड्रीम कार? ऑडी. एवरीवन ड्रीम कार ऑडी. ऑडी कौन सी ऑडी? ऑडी A2. A2 स्पेसिफिकली? द लेटेस्ट वन इज द A2, राइट? नहीं, मुख्तलिफ है ना. A2 भी, A3, A4, 5, 6 सब कुछ है. A2, A3, A4, द शेप्स इज गुड फॉर दैट. I like the Audi. It's got space for a cricket bag. Very good choice, I think. Yeah. Acha, aur final wala, aapki all-time favorite player? All-time favorite player in women's or men? Dono bataye. All-time favorite MS Dhoni in men's, and in women's Sarah Taylor. Very good. Very good. Sarah Taylor will be very happy to hear that, and I will tell her you said that as well. Sidra Nawaz, bahut bahut shukriya aapka, aapne time liya अपने टूर में वेस्ट इंडीज से हमारे साथ बात करने के लिए. आपके बहुत से फैंस, आपके चाहने वाले आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलूंगी कि जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, पैशन से खेलें और उस पर ज़्यादा प्रोफेशनल लें, क्योंकि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का अब इन द वर्ल्ड बहुत स्कोप हाई होता जा रहा है, और स्पेशली इन पेंडेमिक में स्टे सेफ, स्टे होम. Great advice from Pakistan's wicketkeeper, the Sidra Nawaz. We thank her very much, and we wish her all the best on the tour in the West Indies. Thank you. Thank you. Thank you.